नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हमारे पास एक कंप्लेन है कुरथोल का, जो कि परसा के आसपास का है। वहाँ दिक्कत यह है कि उनके पीसीबी के वायरों को चूहा जो है काट रखा है। कस्टमर से बात करने पर यही बताया गया हमको, तो अभी हम वहीं जाकर देखेंगे कि क्या दिक्कत है उसमें। तो अभी हम पाया नंबर 68 के पास पहुंच चुके हैं कुरथोल में, जहां हमको कस्टमर बताए थे आना है। तो पीछे में पाया नंबर 68 है, ये ओवरब्रिज का काम चल रहा है अभी, इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है इस एरिया में, इस रोड में। तो अब हम फोन लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा घर है यहाँ पे उनका। तो कस्टमर के यहाँ पहुँच गए हैं और यही वो एसी है जिनको हम खोल रहे हैं। चूहा कहाँ से काटा है ये तो पता नहीं, अब खोलने के बाद ही पता चलेगा। पीसीबी जो खोल लिए हैं इनके वायर को देखिए किस तरह से काटा है। इनमें बच्चा सब है, ये है इसका, ये लुक्खी का बच्चा है, मतलब गिलहरी जो होता है ना, काट भी दिया है इसी में, अंडा बच्चा सब कर दिया है। अभी हम कुरथोल से जो है परसा आ गए हैं। कुरथोल में वही एसी के वायर को चूहा काट रखा था, तो उनको बढ़िया से जोड़ दिए और चलाए तो फिर ठीक हो गया। तो अभी हम फिर आ गए हैं परसा। यहाँ पे हिटाची का एक एसी है, वो जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वही आए हैं देखने के लिए। और अभी चलते हैं कस्टमर के यहाँ, देखते हैं क्या दिक्कत है। ऊपर जलता है तो इसका फिल्टर का जलता है, नीचे टाइमर का जलता है, जबकि टाइमर उमर सब ऑफ किए हुए हैं, फिर भी ऑटोमेटिक चलते चलते, मतलब कभी आधा घंटे में बंद हो जाता है, कभी कुछ। यही वो एसी है, कस्टमर बता रहे हैं कि 15-20 मिनट चलने के बाद जो है बंद हो जाता है, कूलिंग नहीं देता है। तो अभी हम चालू कर दिए हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इनका आउटडोर यहाँ है, इनमें क्या दिक्कत है कि इनके आउटडोर के कंडेंसर पे ना चिपरी चिपरी टाइप का सटा हुआ था, तो ये पाइप जो रखा हुआ है इन्हीं से प्रेशर मार मार के हम किसी तरह ब्रश के जरिए साफ किए इनके कंडेंसर को। हमारा परसा का भी काम जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ दिक्कत ये था कि इनके आउटडोर का कंडेंसर बहुत ही गंदा था, पूरा चौक था, इनके वजह से जो है ये ओवर हीट होकर के बंद हो जा रहा था, हीटिंग जो है बाहर जा नहीं पा रहा था और सही से कूलिंग नहीं कर पा रहा था। तो उसको हम बढ़िया से क्लीन कर दिए आउटडोर को, इनडोर पूरा साफ था इनका, तो सिर्फ आउटडोर को क्लीन कर दिए और बढ़िया तरीके से किए, उनके बाद जो है कूलिंग एकदम परफेक्ट करने लगा। तो यहाँ हमारा अब काम जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर से ही संपत चक होते हुए खेमनी चक चले जाएंगे। खेमनी चक का एक कंप्लेन है मेरे पास, वहाँ भी कूलिंग नहीं हो पा रहा है ऐसी, तो जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है उसमें। कस्टमर के यहाँ पहुँच गए हैं और इंडोर स्टार्ट करके एम्पियर मीटर हम लगा दिए हैं इनके वायर में। अब हम जैसा देख रहे हैं कि ये एम्पियर इनका बढ़ रहा है, तो देखते हैं आगे। आउटडोर में कंप्रेसर तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन पंखा जो है नहीं नच रहा है, चल नहीं रहा है। तो हम चढ़ गए हैं अब आउटडोर पे, इनमें पहले कैपेसिटर लगा के देखते हैं, हो सकता है कैपेसिटर ख़राब हो गया है जिनके वजह से पंखा जो है नहीं चल पा रहा होगा। तो यही कैपेसिटर है जो पहले इसमें लगा हुआ था, 3 MFD का है। अब मेरे पास भी है एक तो 3 MFD का, वो काला कलर का है चौकुटा, तो उनको लगा कर हम इसमें देखेंगे कि फैन चल रहा है कि नहीं। वो कैपेसिटर जो हम लगा कर देखें, फैन नहीं चला, इनका मोटर ही ख़राब है, जल गया है। तो अब इनके मोटर को हम खोल रहे हैं। खेमनी चक में एसी जो है चेक कर ली,
वहाँ क्या हुआ कि मोटर ख़राब है और मोटर हम खोल करके ले आए हैं रिपेयरिंग करने के लिए रिपेयरिंग सेंटर पे। दिक्कत ये हो रहा था कि पहले तो मोटर चल नहीं रहा था, पहले तो इंडोर को चलाए तो वो एम्पियर ज़्यादा ले रहा था, उसके बाद हम देखे कि मोटर चल नहीं रहा है, पंखी नच नहीं रहा था, तो हम नया कैपेसिटर लगा कर देखे तो नया कैपेसिटर लगाने के बाद भी नहीं चला, तो इनको खोल कर ले आए हैं रिपेयरिंग के लिए। हाँ तो कल है तो कल शाम तक हम दे दीजिए ना। हाँ अभी हम मोटर दे दिए हैं रिपेयरिंग सेंटर पे रिपेयर होने के लिए। अब हमारे पास एक और कंप्लेन है जो कि आसियाना का है, तो अभी हम वहीं जाएंगे। दिक्कत वो ये है कि वहाँ पे E6 एरर लिख के आ रहा है AC में, और AC जो वीडियो कॉन का है स्प्लिट AC, तो देखते हैं क्या दिक्कत है जाके। तो हम कस्टमर के यहाँ पहुँच गए हैं और इनके इंडोर को जो है खोल दिए हैं, पूरे PCB बाहर निकाल दिए हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। इस AC का आउटडोर जो है जस्ट पीछे जो है छज्जे पे रखा हुआ है स्टैंड पे, इसको हम ही लगाए थे पिछले साल, इंस्टॉल किए थे। इसमें दिक्कत ये आया कि हमसे पहले 3 मैकेनिक आके इनमें छेड़छाड़ कर दिया, मतलब ठीक करने का कोशिश किया लेकिन बन नहीं पाया। बोल रहे हैं कि 7,000 रुपया लग चुका है, PCB किट रिपेयरिंग करवा लिए, दूसरे मैकेनिक ने किया, गैस भी डाल दिया, कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, लेकिन दिक्कत कह रहे हैं कि 20-25 मिनट के बाद E6 एरर आ जा रहा है। ये पुराना वाला कैपेसिटर है 55-6 का जो इसमें पहले लगा था, ये नया वाला है जो कि मैकेनिक ने चेंज किया था, उनको निकाल दिए हैं और फिर से पुराना वाला ही लगा दिए हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि अभी चलते चलते पंखा बंद हो गया, तो नया वाला कैपेसिटर हटाने के बाद पुराना वाला भी लगाए फिर भी जो है मोटर नहीं चला, तो हम दूसरा मोटर लगाए रहे हैं इसमें इनको चलाने के लिए। तो इसमें दूसरा मोटर जो है सेट कर दिए और कैपेसिटर का भी वायरिंग कर दिए। दूसरे मोटर में जो है दूसरे तरीके का वायरिंग है, इसमें 4 वायर है, उसमें 3 वायर था पहले वाले में। तो अब AC जो है चला दिए हैं, लगभग 10 मिनट से चल रहा है और एम्पियर भी एकदम ठीक ठाक ले रहा है, न ज़्यादा न कम, और 10-15 मिनट से एकदम बढ़िया ही चल रहा है। तो आसियाना वाला जो AC था वो ठीक हो गया और ठीक करने के बाद हम अपने रूम पर चले आए। उसमें दिक्कत ये था कि हमसे पहले 3 मैकेनिक उनको चेक कर चुका था। एक तो पहले धो धखा के चले गया, उनसे नहीं हो पाया तो वो मना कर दिया। दूसरा आया, दूसरा भी वैसे ही उससे कुछ बता के चले गया। तीसरा आया, वो PCB किट रिपेयरिंग करवा दिया, गैस डाल दिया, कैपेसिटर चेंज कर दिया, 7,000 का बिल बना दिया, लेकिन उनसे भी ठीक नहीं हो पाया। फिर लास्ट में हमको कॉल किए क्योंकि हम उनके यहाँ इंस्टॉल किए थे पिछले साल, तो मेरा नंबर रखे हुए थे, तो हमको कॉल करके बुलाए। तो हम गए तो देखें, पहले तो हम देखे चला करके E6 आ ही रहा था, तो गए हम देखे वॉल्व जो खोले, आउटडोर चेक किए वॉल्व खोले, तो वॉल्व जो डिस्चार्ज वाला पूरा बंद था, हल्का खुला हुआ था, माने एकदम हल्का सा, जैसे गैस जो आस पास हो सकती, हमको लगता है कि कोई टेक्नीशियन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरा, जब वो डिस्चार्ज वॉल्व खोल दिए पूरा, तो थोड़ा देर के बाद जो पंखा चलना ही बंद हो गया। दूसरा कैपेसिटर लगा के देखे फिर भी नहीं चला, तो हम पंखा चेंज किए बाहर वाला, आउटडोर का जो फैन मोटर वो चेंज कर दिए, अब AC जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है। और तीसरा चीज़ ये किए कि इंडोर के कूलिंग कॉइल पे जो सेंसर लगा होता है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, तो वो मेरे अंदाज से वो ढीला था, जो वो सही से सेंस करके नहीं सेंस नहीं कर पा रहा था कॉइल के टेम्परेचर को, तो उनको हम
टाई बेल्ट से जो सही से कस दिए, क्योंकि उनका जो बना हुआ था वो नोक वो बहुत ढीला था, तो टाई बेल्ट से सही से कस दिए। तो एसी जो है फर्स्ट क्लास काम कर रहा है और कस्टमर इम्प्रेस हो करके हमको 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए कि इतने आदमियों से नहीं हो पाया, आप ठीक कर दिए। तो वहाँ काम जो है कम्प्लीट हो गया मेरा। तो आज के ब्लॉग को भी बस यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर।